जुलाना में बदमाशों के हौसले बुलंद, दवाई विक्रेता से पिस्तौल के बल पर मांगी फिरौती, काउंटर पर लगाए आग। घटना के बाद मौके से मोटरसाइकिल पर फरार हुए बदमाश, घटना के विरोध में दुकानदारों ने किया बाजार बंद। जुलाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, अब एक नया ताज़ा मामला। जुलाना के म्यानन बाजार में दवाई विक्रेता को पिस्तौल के बल पर धमकी देने व काउंटर पर आग लगाने का सामने आया है। दुकानदार ने बताया कि आज सुबह दुकान पर अपने कर्मचारियों के साथ काम कर रहा था, तभी दो युवक आए और उन्होंने आते ही काउंटर पर एक मोबाइल रखा और वह साथ में तरल पदार्थ लिए हुए थे और एक कागज पर कुछ लिखा हुआ था। जब तक मैं उनसे बात करता, तब तक उन्होंने कहा कि इस नंबर पर बात कर लेना और तरल पदार्थ गिराकर आग लगा दी। हम आग बुझाने के चक्कर में लग रहे तो वह मौका देखकर फरार हो गए। पर्ची से लग रहा है कि वह फिरौती मांगना चाह रहे थे। घटना के बाद सभी दुकानदारों ने बाजार को बंद कर दिया है। वही जुलाना थाना प्रभारी मुरारीलाल ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि बजरंग मेडिकल हॉल पर दो लड़के एक बाइक पर आए और उन्होंने मेडिकल स्टोर मालिक को धमकी दी है। इस संबंध में मेडिकल स्टोर मालिक द्वारा एक शिकायत पुलिस को दी है, जिस पर पुलिस ने दो अज्ञात युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी जाँच शुरू कर दी है। भाई सवेरे 10 बजे दुकान पर दिया, सवेरे 10 बजे दुकान पर दे, दो तीन कर्मचारी हैं, दवाई बेचने लग रहे थे, दो बदमाश गुंडे आ गए। काउंटर पर उन्होंने एक कॉपी धर दी और एक मोबाइल धर दिया और उन्हें और कि मैंने कहा धमकी दे दी, तो पैसे थी हाथ में पिस्टल ले रहा था, फिर उन्होंने काउंटर का सारा सारा को तरफ पदार्थ गिरा है, उसमें आग ला दी, हम उसमें उड़ गए, वे फरार हो गए। बार बाइक खड़ी थी उसके ऊपर बैठ कर चला गया अगला। समस्या का कोई अनुमान नहीं, सारे भाई मरा गल ये भी परेशान है, घर छोड़ रहे हैं, दुकान बंद कर रहे हैं। प्रशासन ने सख्त सख्त कार्रवाई करके नहीं है पकड़ने चाहिए, ये छुटने भी नहीं चाहिए ताकि आगे और किसी भाई ने दिक्कत नहीं आवे। ये परेशानी पहले भी हो चुकी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज सुबह ये बजरंग मेडिकल हॉल है उसके ऊपर बदमाश आए थे और एक फोन रख दिया और तेल लगा के आग लगा दी उसमें और उनको बोल दिया इस फोन नंबर पे बात कर लेना और फिरौती मांग रहे थे, धमकी दे रहे थे और ये प्रशासन अब कार्रवाई करेंगे। अब हम इनके पास आए हैं, डायरी भी दे के गए हैं और पूरे बाजार में रोष है और सब दुखी हैं और डरे हुए हैं। और लेकिन हम ये कहते हैं कि हम ये बदमाशी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, जल्दी से जल्दी FIR दर्ज हो और उनको अगर पकड़ा जाना चाहिए, अगर नहीं पकड़ा गया तो हम और ज्यादा रोष प्रकट करेंगे और प्रशासन के ऊपर जाएंगे और डीसी साहब के पास भी जाएंगे। पर सब क्या कहेंगे, आप भी एक व्यापारी हो, ऐसे में काम करने में कितनी समस्या रही? समस्या का जीना दूभर है, व्यापारी ने तो पहले सबसे पहले सुरक्षा ही चाहिए है और सुरक्षा ही नहीं रहेगी तो व्यापार कैसे होगा। इसीलिए तो यहाँ जुलाना से पलायन हो रहा है व्यापारियों का, यही तो कमजोरी है। तो जल्द से जल्द गिरफ्तारी करते हो? हाँ, जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं, उनका रिमांड भी चाहते हैं, गिरफ्तारी भी चाहते हैं, उनको जेल के अंदर दिया जाना चाहिए। आज इतला मिली थी कि बजरंग मेडिकल हॉल पर दो लड़के बाइक पर आए और उन्होंने धमकी दी है, इस संबंध में कम्प्लेंट कर दरखास्त दी है, मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश जारी है, जल्द ही ठोस कार्रवाई गिरफ्तार कर लिया जाएगा।